अब देखो, अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि यहाँ पर MCU की आने वाली मूवीज में वो मजा नहीं रहा जो कि हम लोगों को पहले की मूवीज में देखने को मिलता था, तो यार यहाँ पर आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि हम लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज MCU की तरफ से देखने को मिलने वाला है। अब देखो, यहाँ पर काफी सारी ऐसी मूवीज एंड काफी सारी वेब सीरीज है जो की अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों वो मूवीज जब आएंगी तो यार उसके बाद में डेफिनेटली पूरा MCU चेंज हो जाएगा। अब देखो, आप लोग जानते हो कि यहाँ पर हम लोगों को इटर्नल्स मूवी देखने को मिली थी, जिसको यार डेफिनेटली उतना ज्यादा प्यार नहीं मिला, लेकिन देखो जिस जगह पर मूवी की एंडिंग हुई थी उससे साफ हम लोगों को हिंट मिल गई थी कि यहाँ पर इटर्नल्स 2 डेफिनेटली आने वाली है। और देखो यार, इसकी हम लोगों को हिंट भी मिल रहे हैं एंड काफी सोर्सेस से ये पता चला है कि इटर्नल्स 2 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और देखो, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर इटर्नल्स 2 जो है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि यार काफी सोर्सेस से पता चला है कि हमारी जो इटर्नल्स 2 है वो यहाँ पर जजमेंट डे पर बेस्ड होने वाली है। आप देखो, जजमेंट डे के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को जजमेंट डे में यहाँ पर इटर्नल्स वर्सेस एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स देखने को मिला था। और देखो यार, मजा तो तब आया था जब यहाँ पर एक सेलेस्टियल ने पूरे यहाँ पर इंसानों का जजमेंट किया था। और देखो यार, डेफिनेटली जब इटर्नल्स 2 के अंदर हम लोगों को ये सब देखने को मिलेगा तो यार डेफिनेटली वो सीन नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अब देखो, बात को यहाँ पर नंबर 2 के बारे में, तो देखो शांग-ची के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर शांग-ची के पास में 10 रिंग्स आ चुकी थी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रूस बैनर और यहाँ पर हमारी कैरल डेनवर्स ने हमारे जो शांग-ची है उसको यहाँ पर एवेंजर्स में भी भर्ती कर लिया था। और देखो ऐसे ये तो हमारे लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर शांग-ची जो है वो हमारे यंग एवेंजर्स का हिस्सा होने वाला है, और इसी के साथ साथ हम लोगों को शांग-ची यहाँ पर कैंग डायनेस्टी में तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर कैंग डायनेस्टी के बाद में हम लोगों को यहाँ पर शांग-ची की सेकंड मूवी में देखने को मिलने वाली है, जिसका दोस्तों नाम हो सकता है शांग-ची द रैकेज ऑफ टाइम। अब देखो, यहाँ पर जो हम लोगों को 10 रिंग्स देखने को मिली थी उसका दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली कनेक्शन जो है वहाँ पर कैंग से हो सकता है, और देखो इसकी काफी ज्यादा चांसेस है कि हमारे जो स्कारलेट सेंचुरियन है उसी ने यहाँ पर 10 रिंग्स को बनाया हो, और यहाँ पर शांग-ची 2 का जो मेन विलन है वो भी स्कारलेट सेंचुरियन हो सकता है। अब देखो, इसी के साथ साथ यहाँ पर थॉर 5 से रिलेटेड भी काफी तगड़ी खबर निकल कर आई है। अब जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग में हमारी जो लव थी उसके पास भी पावर्स आ चुकी है, एंड दोस्तों ऐसी वैसी पावर्स नहीं है उसके पास में, उसके पास इटर्निटी की पावर है। और इसी के साथ साथ हम लोग एंडिंग में देख चुके हैं कि यहाँ पर हरक्यूलिस जो है वो भी यहाँ पर थोड़ा से बदला लेने को काफी ज्यादा उतावला हो रहा है, और हम लोगों को ऐसा देखने को मिल सकता है थॉर 5 के अंदर कि यहाँ पर जब हरक्यूलिस यहाँ पर फाइट करने आएगा थॉर से, तब यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ थॉर और हरक्यूलिस की नहीं बल्कि यहाँ पर हम लोगों को लव और हरक्यूलिस की भी फाइट देखने को मिलेगी। एंड देखो यार, डेफिनेटली वो जो सीन है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारी जो लव है वो कोई छोटी मोटी कैरेक्टर नहीं है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर आने वाले समय में यहाँ पर मल्टीवर्स सागा के बाद में उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब देखो, इसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है स्कारलेट विच को लेकर, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर कांड कर रखे है स्कारलेट विच ने उससे दोस्तों ये तो साफ साफ हो चुका है कि हम लोगों को यहाँ पर स्कारलेट विच की जो स्टोरी है वो हमें सीक्रेट वॉर्स के पहले एक बार जरूर देखने को मिलेगी, जहाँ पर दोस्तों हमें ऐसा सीन देखने को मिल सकता है जहाँ पर हमारी जो स्कारलेट विच है उसकी मुलाकात होगी डॉक्टर डूम के साथ में, एंड यार डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच मिलकर यहाँ पर जो तबाही मचाएंगे सीक्रेट वॉर्स में, तब दोस्तों यहाँ पर हमारे जो एवेंजर्स है उनके खिलाफ हमारी जो स्कारलेट विच है वो लड़ती हुई नजर आ सकती है। अब देखो, ये खबर उनके लिए जो कि यहाँ पर हल्के के काफी बड़े फैन है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हम लोगों को काफी समय से स्मार्ट हल्क जो देखने को मिल रहा है उसमें लोगों को काफी ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हल्के की कहानी पूरी की पूरी चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास में हल्के की जो राइट्स है वो प्रोबेबली वापस आ चुकी है। और देखो, इसलिए काफी ऐसी खबरें आ रही हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एवेंजर सीक्रेट वॉर से पहले हमें यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर हल्के का जो कैरेक्टर है जो कि उसकी अपीयरेंस है उसको पूरी तरीके से चेंज कर देगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम लोगों को वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिलता है एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली सीक्रेट वॉर्स है उसका मजा यहाँ पर 100 times से बढ़ने वाला है। और देखो, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के फैंस के लिए भी काफी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हम लोगों को सीक्रेट वॉर्स से पहले हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 देखने को मिलेगी, जहाँ पर दोस्तों ये काफी बड़ा कनेक्शन बिठाएगी कि सीक्रेट वॉर्स होने का आखिर रीजन क्या है। और दोस्तों हमें इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के जो सारे वेरिएंट्स हैं वो यहाँ पर मल्टीवर्स के इनकर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अंदर हम लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज का आज तक का सबसे पावरफुल वर्जन देखने को मिलने वाला है। और देखो, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों को MCU की तरफ से और भी सारी यहाँ पर तगड़ी मूवीज और काफी तगड़ी वेब सीरीज भी देखने को मिलने वाली है, जो कि दोस्तों अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आने वाला समय यहाँ पर MCU फैंस के लिए काफी यहाँ पर गोल्डन पीरियड होने वाला है। बट दोस्तों फिलहाल आप लोग बताओ कमेंट में कि मैंने यहाँ पर जितनी भी मूवीज बताई है उनमें से आप लोग किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, एंड आप लोगों का यहाँ पर फेवरेट MCU कैरेक्टर कौन सा है। अब दोस्तों इस सवाल का जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में। एंड देखो यार, अगर आप लोग आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।